हम जा रहे हैं पार्लर में क्योंकि हमें इसका फेशियल करवाना है आज और इसके बाल स्ट्रेट करने हैं। तो असल में फेशियल इसका हो रहा है और मैं इसके साथ हूँ। अच्छा, देखते हैं, आप भी देखते रहिए किसका हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो इस टाइम हम बैठे हैं क्लास में और मतलब हमारे आज एक क्लास भी है इस टाइम। इसके बाद हम जाने वाले हैं घर और बाहर काफ़ी मतलब कड़ाके की धूप पड़ रही है, बारिश आए तो प्रॉब्लम, धूप आए तो भी प्रॉब्लम, इतनी गर्मी में जाना कैसे है ये प्रॉब्लम है। तो वैसे इसने सुबह सुबह मेरे साथ एक प्रैंक करा था कि मैं आज कॉलेज नहीं आ रही, मैं तो चेंज करने वाली थी। तो वैसे जैसे तैसे आज तो आएगा ये, अब कल से देखेंगे आएंगी या नहीं। तो आएगी या नहीं तो ये नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊँगी। तो पहले हम चलते हैं घर, फिर देखते हैं आगे का। इस टाइम हम पहुँच गए हैं घर क्योंकि हमें मार्केट से कुछ सामान लाना था, तो मतलब कुछ था तो कॉल करी उन भैया और उन्हें, तो हम अपना सामान लेके आए हैं घर और अंजू ने मेरी हेल्प की है उसमें। तो अंजू खाना खा के जा, मैं इसको तब से बोल रही रोटी खा ली, वैसे मैंने भी सुबह कुछ नहीं खाया था तो मैं भी सोच रही कि मैं खा लूँ। तो तुझे भी बोल रही हूँ तू भी खा ले, वैसे भी मैं अकेली हूँ। खा ले रहे, ये भी अकेली है, इसकी फ्रेंड भी चली गई और क्या ही कर सकते हैं, अब अकेली हूँ। मेरा तो मन कर रहा सीधे सो जाना है, अब रोटी वोटी तो शाम को देखेंगे मतलब खाएंगे जो भी होगा जब भी भूख मतलब सो के उठे थे और इस टाइम से दे उठ के हम जा रहे हैं पार्लर में क्योंकि हमें इसका फेशियल करवाना है आज और इसके बाल स्ट्रेट करने हैं। तो आज इसकी मतलब वहाँ इसके लिए कुछ मतलब लेना भी है, तो इसकी शॉपिंग के साथ साथ इसका मेकअप भी होगा आज। तो पहले चलते हैं हम मार्केट और देखते हैं। असल में फेशियल इसका हो रहा है और मैं इसके साथ हूँ। अच्छा, देखते हैं, आप भी देखते रहिए किसका हो रहा है। तो पहले चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते वरना ये भी निराश हो जाएगी। तो हम पहुंच गए हैं दी की दुकान में और दी है अपने कामों में बिजी, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो वो पहले दी अपना काम करेंगे, उसके बाद इसका फेशियल होगा, उसके बाद देखते हैं। तो इस चेयर में बैठ के कैसा फील हो रहा है रिया आपको? मैं इतनी बार आ चुकी हूँ यहाँ लेकिन अभी भी मुझे डर लगता है इसमें। क्यों डरना क्यों? आपको दिख रही है इसके फेस में एक अलग सी चमक, फेशियल करवा के लगी रही होगी है नी? कौन सा करवाया, गोल्डन वाला है नी? पता नहीं, मैं फेशियल नहीं पता। तो करवाने तू गई थी ना, तुझे ही नहीं पता, खुद ही देख लो चमक आ गई। तो मुझे बनाया गोल्डन वाला ये, ने पाउडर लगाया मेरे हम पहुंच गए हैं शॉप के पास और आज भी हमें लेनी है टी शर्ट और मतलब हम हर रोज़ इसी शॉप के पास आते हैं। मिली आंटी जी से, शॉप की ओनर। हाँ ये है, और मतलब आंटी जी का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है इसीलिए हम हर रोज़ यहीं पर आते हैं। तो मतलब हमको काफ़ी अच्छी लगती है ये शॉप, तो हर रोज़ हम सामान लेने यहीं आते हैं। तो आज भी देखते हैं ये कितना तंग करती है आंटी जी को। बोलना क्या है, तो हर रोज ऐसे ही करती है ना। तो आखिरकार यानी आज मतलब बहुत ही जल्दी सिलेक्ट कर ली है, वरना ये 2-3 घंटे यहीं पर रुकती है, तो आज 2 मिनट में कर लिया इसने। मैंने बोला था ये तंग करेगी और इसको ब्लैक मिल गई थी ये, फिर भी बोल रही है ना ये स्मॉल है, मेरा साइज देखो। ये आ जाती है, मुझे पता है ये, अब कितनी चाहिए भाई तुझे? तो ये ऐसे ही करती है। ये देखो ये ऐसा, मैंने इसके लिए मेहंदी कलर सिलेक्ट करा है। मेहंदी है, दोनों आधे रास्ते तक पहुंच गए थे, ये वहां से लौटी है कि इसे ब्लैक नहीं चाहिए। नहीं मैंने यही में बोला है, उसके वहां पे उसके आगे से अजीब थे, बैग तो कर दिया था ना, तो तब से ये मैंने बोला था ना ये 2-3 घंटे से पहले उठने वाली है नहीं, अभी भी देख ही रही है इधर उधर, इसकी निगाहें ढूंढ रही है। ये तो मुझे नहीं पता, पर ये बहुत कंफ्यूज है, उस टाइम से एक वहाँ सेलेक्ट करी है, फिर से बोल रही उसी को पैक करो। आंटी जी क्या चल रहा भाई? आंटी जी ब्लैक गिरा।
तो बैठ गई है मोहतरमा, अब इसको 30-40 मिनट चाहिए सोचने के लिए। रिया इतने गौर कोई नहीं करेगा, इतना गौर कोई नहीं करता, वो क्या है पहले से ही रुपए कम किए हैं, अब वेस्ट कहाँ करेगी। कितना टाइम चाहिए भाई? एक घंटा। कौन सी यार पसंद? तो लास्ट टाइम ये पैक हो चुकी थी, पर फिर भी ये उधर से इधर लाई। क्या बेइज्जती क्या करना यार, ऐसे तो हम भी करते ही हैं। हो गया ना जी, क्या घूर रही है ऐसे। घूम फिर के मुझे लग गई है भूख, और इस टाइम दिन के चावल बचे थे तो मैं इनको फ्राई करूँगी। रिया तुम भी खाओगी? हाँ, तो पहले हम इनको वो करते हैं फटाफट, क्योंकि आज भूख लग रही है पता नहीं क्यों। तो पहले हम करेंगे राइस फ्राई, उसके बाद देखते हैं आगे।